मैं हूँ पंकज और आप देख रहे हैं पंकज माइंड ब्लॉग्स। चलिए इस बार हम लोग आ चुके हैं चिचका धाम मंदिर और आपको दिखाते हैं मंदिर का पूरा व्यू, और ब्लॉग में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो में और इस बार हम लोग आए हैं चिचका धाम। चिचका धाम बोकारो शहर से जो रोड है उससे मिला हुआ है, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर अंदर दूर में है। और यहाँ पर आप आइए, ये बहुत ही पुरानी मंदिर है, बहुत ही यहाँ पे मान्यता है। आपको सब कुछ आगे हम विस्तार से दिखाएंगे, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और आइए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं। देखिए मंदिर, अब हम लोग चलते हैं। देखिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुरानी मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, आपने गए होंगे, आप वहाँ पर देखे होंगे। और ये देखिए बोल नहीं सकता है मंदिर, मैंने मंदिर बनाए महतो सब, लेकिन बाबा अपने आप ही शिव जी बोला ना। अरे मंदिर बनाए ये मंदिर कितना पुराना है बाबा? ये मंदिर कम से कम मैंने 70-80 वर्ष आगे का महतो सब बनाया है, लेकिन स्थापना नहीं है। इनका कहने का मतलब है ये 70-80 वर्ष हो चुके हैं इसके बारे में मंदिर। हाँ, मैं 100 साल रखे, लगभग 100 साल एक शताब्दी हो चुकी है। हाँ, बन रही है देखिए। हाँ, और इस साल इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ, इस तरह आप देवघर में गए होंगे। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ, पूरे सब मंदिर हैं। और ये देखिए दुर्गा जी की मंदिर है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, आपको सभी मंदिर को दिखाएंगे। और सभी मंदिर की अपनी अपनी मान्यता है, सभी श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ पे, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं से, दुआ करते हैं। और ये गणेश जी की मंदिर है, अभी इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ बाकी है, ये मंदिर बन रहा है और कार्य चल रहा है। अभी आपको लेके चलते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिर, जिसके नाम से ये मंदिर जाना जाता है, श्री चटकेश्वर धाम जी के नाम से। और आइए कुंडले चलते हैं, पंडित जी बोले। हम लोग आ चुके हैं आलोक चटकेश्वर मंदिर, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग चटका धाम के नाम से जानते हैं। और अंदर है शंकर जी का मंदिर, इन्हीं के नाम से बहुत पूजा होती है। इन्हीं के नाम से सावन महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर है, चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं, आइए। ये हैं यहाँ के बाबा, क्या नाम हुआ आपका बाबा? मेरा नाम उज्जवल तिवारी है। मेरा पिताजी से पहले यहाँ पूजा करते थे, पेट पूजा तो उसमें मंदिर नहीं था। यहाँ तो कम से कम 2 साल पुराना मंदिर है बाबा का, यहाँ सभी भक्तों का मनस्कामना पूर्ण होता है। यहाँ सबसे मेन प्रसाद है आपका पाया से जुड़ी बनता है, और शिवरात्रि में बहुत मेला लगता है, सावन में पूरा मेला लगता है। ये मंदिर जो ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया बाबा? मंदिर मतलब इसी मंदिर पूरा उसको डिटेल में मगर हमको नहीं पता है, मैं मेरा पिताजी जानता था, मगर सुने हैं कोई साधु ही बनाया।
ये बहुत ही पुराना है और जिस हिसाब से पंडित जी कह रहे हैं कि मंदिर कोई साधु के द्वारा बनाया गया है, आगे इसका निर्माण कार्य यहाँ के स्थानीय लोग के ही द्वारा होता है। आगे आपको दिखाते हैं वो मंदिर जो जो मूर्ति वो जो पुराने खुद आपरूपी निकली हुई है, चलिए वहाँ दिखाते हैं आपको। और ये देखिए जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं शिवलिंग को, वो आपरूपी खुद निकला हुआ है, बहुत ही पुराना है। ये कितना प्राचीन काल है ये कोई नहीं बता सकता, खुद यहाँ के स्थानीय लोग नहीं बता सकते। आज से लगभग बहुत दिन से जब से इन्होंने देखा है तब से यहाँ पर इनकी पूजा होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर, यहाँ पर शादी विवाह सभी कार्यक्रम होते हैं, तो सब कुछ दिखाएंगे आगे। और ये देखिए यहाँ वैष्णो जी की भी मंदिर है, आपको आगे से मूर्ति को दिखाते हैं। यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सारी मंदिर हैं, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा धाम है, पर इसको उतना बड़ा रूप नहीं मिला है जितना बड़ा ये धाम है। और ये देखिए ये मंदिर अभी निर्माण कार्य में है, और ये मंदिर जब बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मंदिर यहीं पे स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, और इसके निर्माण कार्य जो कर रहे हैं वो हमारे यहीं पर मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या भैया? मुरली आवाज बोल रहा हूं। ये मंदिर कौन सा भगवान का बन रहा है? ये जो पद्मावती का बन रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर मंदिर और कहाँ पे है? ये मंदिर है चंदुली ग्राम दुर्गापुर का आगे है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये मंदिर झारखंड में अभी कहीं पे नहीं है, ये सिर्फ बंगाल में है और झारखंड में पहली बार बन रहा है। तो जब भी यहाँ पर विजिट करें प्लीज़ एक बार यहाँ पर आए और मंदिर को देखें। ये मंदिर कितना दिन में तैयार हो जाएगा? लगभग मोटा मोटी अभी 6 महीने लगेगा, लगभग 6 महीना या साल भर के अंदर अगले सावन तक ये आपको तैयार मिलेगा। एक बार आइए और ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पे। तो देखिए हमारे पीछे बच्चों के लिए यहाँ झूला भी लगा हुआ है, बच्चे बड़े भी झूलते हैं इसमें आके। तो देखिए तो ये मंदिर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, कुछ लोग मानते हैं भगवान नहीं होते हैं। अगर भगवान नहीं होते हैं तो फिर ये क्या है, इतना खर्चा क्यों, इतना पैसा क्यों, और ये आपरूपी जो देखें वो कहाँ से आया, वो क्या है? कभी कभी हमारे बुद्धिजीवी साइंटिस्ट ये सब भी विफल हो जाते हैं ये जानने में कि ये कैसे हुआ जो ये बना हुआ है मंदिर। यहाँ पे सिर्फ गुरु जी लोग अपनी पूजा करते हैं, यहाँ आराध्य करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, आरती करते हैं और होते रहते हैं। यहाँ पे शादी विवाह मुंडन नए गाड़ी की पूजा लगा हर काम यहाँ पे होता है। आइए और ये देखिए मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, अनेकों रंगों से सजाया गया है। और ये देखिए शीतला माता का मंदिर है, इसे 2014 में बनाया गया था। और अभी बहुत सारे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ छोटी मोटी धर्मशालाएं भी हैं, यहाँ विवाह संपन्न हो सकता है। और अभी निर्माण कार्य चल रहा है, हम लोग मंदिर पूरा देख चुके हैं। हम लोग चलते हैं उस जगह जहाँ भगवान श्री विष्णु की चरण पादुका के निशान है, चरण के निशान है, और यहीं से कुछ ही दूरी पर है वो, सामने एक नदी भी है, वहाँ लोग वहीं पर नहा धोकर पूजा के लिए आते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे विष्णु जी के पैरों के निशान हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। और ये मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर है, यहाँ पे भी सावन के वक्त बहुत ही भीड़ रहती है, और वहाँ चल के आपको एक्सप्लोर करते हैं आगे। और देखिए भाई यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है यहाँ का व्यू, और आपको दूर से ही नदी की जो पानी की आवाज़ सुनाई देगी, तेज़ धार की आवाज़। और हम लोग अब मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं, चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ।
देखिए हम लोग आ गए मंदिर के पास और पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा, नदी का नज़ारा है यहाँ पे। इधर से नदी बहती है, अरे आ रही है, और ये यहाँ की बहुत प्रमुख झारखंड की नदी है दामोदर नदी, उसी का पानी है यहाँ पे आ रहा है। और ये पत्थर देखिए कितने पुराने पत्थर हैं, उसी के बीचों से ये पानी बहता हुआ आ रहा है। और लोग यहीं पर स्नान स्नान करते हैं, पूजा पाठ भी होती है, और यहीं और इसके बारे में बातें करते हैं। यहीं के स्थानीय एक मित्र मिले हैं हमारे पुराने, तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? लोचन जी, मेरा नाम है लोचन। और ये मंदिर के बारे में बताएंगे कि इनके बारे मंदिर के बारे में को हमसे ज़्यादा पता है, हमने सिर्फ सुना है, पर ये यहीं पर पले बड़े हुए हैं। और कुछ मंदिर के बारे में बताइए। देखिए मंदिर के बारे में तो ये बहुत पुराना है, इतना तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन यहीं पर श्री हरि विष्णु जी का चरण का निशान है यही मंदिर में, कहा जाता है कि यहाँ पर विष्णु जी। तो ये आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे? जब से हम पैदा हुए उससे पहले से ये वाला है। लगभग कितना साल पुराना होगा? लगभग उतना तो नहीं मालूम है कितना साल, लगभग 100-200 साल होना चाहिए। ये भी एक अनुमान बता रहे हैं, क्योंकि ये जब से जन्म लिए तब से ये देख रहे हैं उनके पिताजी बड़े वंशज, तब से ये चल रहा है, और किसी को ये पता नहीं है कि ये कब से है। चलिए दिखाते हैं आपको, धन्यवाद भी आपका। और ये देखिए एक छोटा सा शिवलिंग है, शायद ही आपने कभी इतना छोटा शिवलिंग देखा होगा। और ये प्राकृतिक है, आपरूपी है, इसे किसी ने नहीं बनाया, किसी ने डिज़ाइन नहीं किया, कोई मैन्युफैक्चर नहीं है यहाँ पे, किसी भी छेनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं हुआ। आगे आइए, एक्सप्लोर करते हैं आपको और दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये छोटा सा शिवलिंग, और ये शिवलिंग भी खुद ही तैयार हुआ है यहाँ, किसी ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, ये जैसा है वैसा ही है। और शायद ही आपने कभी ऐसा छोटा शिवलिंग देखा होगा। चलिए आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री विष्णु के पैरों के निशान, आइए। और ये देखिए, और ये देखिए भगवान श्री विष्णु के पैरों के निशान, भगवान श्री पैरों के विष्णु, देखिए ये आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। और ऐसा लगता है कि ये जो बगल में आप ये निशान देख रहे हैं, ये उस समय के सुदर्शन चक्र के निशान हैं, जो भगवान विष्णु द्वारा प्रयोग किया जाता था, और उन्हीं के चरण के यहाँ पे पूजा होती है। कि यहाँ की पत्थरों में जो लिपि से लिखी गई है, ये किसी को नहीं पता ये किस लिपि से लिखी गई है। आपको जूम करके दिखाते हैं, आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, शायद ये गूगल में सर्च हो पाए, क्योंकि हमने ट्राई किया ऐसे, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये लैंग्वेज। ये बहुत ही पुरानी लिपि है, जो उस समय के विद्वानों पंडितों द्वारा यूज़ की गई है। और ध्यान से देखिए इस लिपि को, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये लिपि अगर कोई पढ़ ले, कोई समझ ले, तो उसे 7 राजाओं का धन प्राप्त होगा, उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। पर ये तो असंभव है कि ये कोई पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे 1000 वर्ष पूर्व का ये पत्थर है और ये लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ नहीं पाया ये लिपि को। तो हमने दिखाया आपको पूरा ये मंदिर और भगवान श्री विष्णु के चरण स्पर्श। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। तो दिखा दिया हमने आप